धमाकेदार प्राइम मूवीज देखने के लिए एनएच प्राइम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। क्या तुम कमाल की चीज बनाई है बनाने वाले ने? क्या बॉडी है, नजर पिसली जा रही है। जब ये चलती होगी तो क्या मंजर होता होगा यार। लोग अपने दिल थाम लेते होंगे। काश कि ये मुझे मिल जाए। क्या मुस्कुराहट है। गाड़ी मुस्कुराती है क्या? अबे मैं गाड़ी वाली की बात कर रहा हूँ। ओह, ये तो शान का सीन हो गया यार। लेकिन फिर भी ये गाड़ी हमें मिल जाए तो 6 महीने की कड़की दूर हो जाए गुरु। मुझे तुम्हारे साथ सिंपति है मैन। जो टीचर यहाँ आता है ना उसका यही एंड होता है। तुम 21वें टीचर हो जिसको बाहर थ्रो कर रहा हूँ। डोंट कम दोबारा हाँ प्लीज। मैंने सारी बातें सुन ली। आप मुझे ये बताइए फाइनल रिपोर्ट क्या है मूर्ति? सर ये प्रूव हो चुका है कि डैम में दरारें पड़ रही हैं। इसकी वजह पानी का प्रेशर भी हो सकता है या फिर सीमेंट में मिलावट भी। वैसे कुछ यकीन से नहीं कह सकते सर, मगर ये फैक्ट है कि अगर इस डैम की मरम्मत नहीं की गई तो ये टूट जाएगा। करीब करीब 300 गांव खतरे में है सर, जिनकी आबादी 80,000 से ऊपर है। मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म किया गया? उनका फैक्स भी आ गया, वो इंजीनियर्स भेज रहे हैं। कब उनके इंजीनियर्स आएंगे, कब रिपोर्ट देंगे, कब काम शुरू होगा? नहीं, ये काम हमारी कंपनी करेगी। सर ये डैम बनाया हमने है, मगर अब ये सरकार का है, इसलिए जिम्मेदारी उनकी है। इंसानियत की जिम्मेदारी भी है मूर्ति, 80,000 जिंदगियों का सवाल है। जेंटलमैन Start filling the cracks now. Okay, sir. And I want this job on war footing. Yes, sir. Murthy. Sir. I have an absolute detailed report about this. Right, sir. Okay? Right, sir. Hello? Please come. Huh. ठीक है मैं आ रहा हूं। हद होती है हर बात की, लेकिन तुम लोगों की शरारत की कोई हद नहीं है। तुम लोगों ने जो चाहा किया, जो मांगा मिला, मगर इसका यह मतलब तो नहीं कि तुम अपनी मनमानी करते रहो। Put the TV off! मैं अच्छे से अच्छा टीचर लाता हूं तुम लोगों के लिए और तुम उसे एक दिन में भगा देते हो।
पापा हम बड़े हो चुके, हमें किसी की जरूरत नहीं है। जरूरत है, अब मेरी बात गौर से सुनो। मैंने फैसला किया कि तुम तीनों बोर्डिंग स्कूल जाओगे। बट पापा। कीप क्वाइट। अरे देखा तुमने बीबीसी, देखा तुमने ये कितने जिद्दी और बदतमीज हो गए। कोई सॉरी वॉरी नहीं कहा, बस ऐसे चले गए। इसलिए मैं बोर्डिंग भेज रहा हूँ, घर से दूर रहेंगे तो ठीक हो जाएंगे ये। सर ये आप क्या कर रहे हैं? मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ बीबीसी, ठीक कर रहा हूँ। हमारे लाड प्यार ने तीनों को बिगाड़ कर रख दिया है। But now enough is enough. Forget मत कीजिए सर, ऐसा ही एक डे था, ऐसी एक बात थी, और आपने इसी तरह किसी को निकाल देने की धमकी दी थी। एंड क्या हुआ, राजू घर से गया तो टुडे तक वापस नहीं लौटा। सर गॉड न करे। Kids, hello, hello. Hi, princess, little princess. अरे भाई सब क्या हो रहा है? हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। देख नहीं रहे हम पैकिंग कर रहे हैं। कैसे पर अपनी बॉल रखो। ओके गाइस, ओके। अब छोड़ो ये गुस्सा। अरे हो जाता है कभी कभी ऐसा। अगर तुम लोग चले गए तो मैं यहाँ अकेला कैसे रहूंगा? तो इसका मतलब आप हमें बोर्डिंग स्कूल नहीं भेजेंगे? बिल्कुल नहीं भेजूंगा बोर्डिंग स्कूल। आप हमारे लिए टीचर नहीं लाएंगे ना? तौबा तौबा, आपके लिए कोई टीचर नहीं लाऊंगा। प्रॉमिस, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। रोहित जरा पकड़ना, राहुल की जबान कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई। शैतान बैठो नीचे, क्या बोलता है? हसलो हसलो शैतानो। लेकिन अब इतना तो मान लो कि तुम लोगों ने जो किया वो ठीक नहीं किया, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया बच्चों। सॉरी। अब जब हमारी दोस्ती हो गई है तो मुझे कुछ मिलना नहीं चाहिए? मेरे बच्चों, अरे कोई भी हमें कभी भी जुदा नहीं कर सकता। नवा मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए, समझे? आपका इनहेलर कहाँ है? पता नहीं पापा। बीबीसी। यस सर। इसका स्प्रे कहाँ है? ओह माय गॉड, सॉरी सर, मैं तुमसे कितनी बार कहा है, इसे दमे का अटैक कभी भी हो सकता है, इसका स्प्रे हमेशा इसके साथ रहना चाहिए। सॉरी सर, मैं फॉरगेट कर गया। ये लो बेटा। मामा जी आप लोग क्या हाल है आप सबके? मेरी बहन के जाने के बाद जिस तरह आपने बच्चों को पाला है जीजा जी, उसकी तो मिसाल ही नहीं मिल सकती। दुनिया टोस्ट पे मक्खन लगाती है और हमारे मामा जी अपनी जुबान पर। राहुल बड़े बिट्टी है मेरे भांजे। बड़े बिट्टी है मेरे भांजे। क्या बात है सारे पार्टनर्स इतने सवेरे? एनीथिंग इम्पोर्टेंट? आइए गाड़ी पे चले। आई एम सो प्राउड ऑफ यू सिद्धांत बेटे। डैम की मरम्मत करा के तुम लाखों लोगों का भला कर रहे हो। पर क्यों? ये काम तो सरकार का है भाई। डैम बना देने के बाद हमारा काम तो खत्म हो गया। अब अगर डैम टूट जाता है और कुछ लोग मर भी जाते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। और क्या, इस देश में तो आए दिन लोग मरते रहते हैं, चाहे भोपाल हो या उड़ीसा, क्या फर्क पड़ता है? यानी कि आप लोगों के कहने का मतलब ये है कि डैम को टूट जाने दें? नहीं नहीं, हमारा ये मतलब नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि हमें अपना पैसा नहीं बसाना चाहिए। एक बार और सोच लेने में कोई हर्ज नहीं है सिद्धांत। 29 करोड़ का एस्टिमेट दिया है हमारे इंजीनियर्स ने, रकम बहुत बड़ी है। तो एक काम करते हैं मामा जी, 29 करोड़ का एक भी रुपया कंपनी से नहीं लगाया जाएगा, सारी की सारी रकम मैं खुद लगाऊंगा। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? तुम शायद बुरा मान गए। इसमें बुरा मानने की क्या बात है मामा जी, आप लोग बिजनेसमैन की तरह सोच रहे हैं, मैं एक आम आदमी की तरह सोच रहा हूँ। और फिर सोचता हूँ कि जिस देश से मैंने इतना रुपया कमाया है उसे थोड़ा वापस करने में कोई हर्ज नहीं। वाह, काश तुम्हारे जैसे बिजनेसमैन और भी होते। हम तुम्हारे साथ हैं सिद्धांत। थैंक यू। अच्छा तो बेटा
हम चलते हैं। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक। बाय 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 जीजा जी। एक्सक्यूज मी सर, आपका फोन। हेलो, यस मदर, कब आ रही है वो? ठीक है, मेरी गाड़ी उन्हें लेने आ जाएगी। थैंक यू। कौन आ रहा है पापा? तुम्हारी गवर्नेस आ रही है। मगर आपने प्रॉमिस किया था कि टीचर नहीं आएगी, गवर्नेस नहीं आएगी, ऐसा तो नहीं कहा था। बाकेट्स, गाड़ी ले आओ। अब क्या होगा रोहित भैया? डोंट वरी, अंपायर चीटिंग कर रहा है, हम पिच ही बदल देंगे। ओके ओके ओके, अब आगे सुनो। एक हाथी और एक चीटी स्कूटर पे जा रहे थे। अचानक एक ट्रक दूसरी साइड से आया और डिशम, स्कूटर और ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। हाथी इस तरफ जा गिरा, चींटी उस तरफ जा गिरी। हाथी बेचारा बहुत जख्मी हो गया, उसका सर फूट गया और खून निकलने लगा। लेकिन चींटी आराम से उठ गई, उसे तो कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ ना दीदी। कुछ नहीं हुआ, बोलो क्यों? मैं बताऊं क्योंकि चींटी हाथी के पीछे बैठी थी। गलत, चींटी तो स्कूटर चला रही थी। फिर उसे चोट क्यों नहीं लगी? इसलिए कि चींटी ने हेलमेट पहनी हुई थी और हाथी ने नहीं। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, स्कूटर चलाते वक्त हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है, वरना चोट लगती है, चाहे आप चींटी हो या हाथी। ओके चलो गाइस, कौन क्लास? नेहा, आप रो क्यों रहे हो? मेरे मम्मी डैडी क्यों नहीं है? इसलिए कि आप गॉड के सबसे स्पेशल बच्चे हो। मैं बताती हूँ, जब गॉड ने ये दुनिया बनाई ना, तो उसमें बहुत सारे बच्चे बनाए, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, और फिर उन बच्चों की देखभाल करने वाले बनाए, जिन्हें मम्मी पापा कहते हैं। लेकिन उन बच्चों में कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो गॉड के सबसे प्यारे बच्चे थे, बिल्कुल तुम्हारे जैसे। इसलिए गॉड ने सोचा कि इन बच्चों की देखभाल तो मैं खुद करूंगा, ये तो मेरे एकदम खास बच्चे हैं। इसलिए उनके मम्मी पापा को वापस बुला लिया। वो बच्चे जिनके मम्मी पापा नहीं होते ना, मिस्टर गॉड के सबसे स्पेशल बच्चे होते हैं। अभी आप समझे? आप भी गॉड के स्पेशल बच्चे हैं ना दीदी? इसलिए तो हम दोनों इस ऑफनेज में रहते हैं, मिस्टर गॉड के बिल्कुल पास, उनके सामने। एना, यस, तुम्हें मदर बुला रही है। कमिंग नाउ, गिव मी अ स्माइल माय स्वीटी, ओके? बिग स्माइल, गुड गर्ल। मदर, यू कॉल्ड मदर? यस माय चाइल्ड, देयर सम गुड न्यूज़ फॉर यू। तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा जॉब आया है। जॉब? गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग, लेकिन जॉब तो मैं कर रही हूँ मदर, चर्च के अनाथालय में बच्चों को पढ़ाती हूँ। आई एम रियली वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। नो माय चाइल्ड, वक्त, पानी और लाइफ किसी के लिए नहीं रुकती, तुम्हें भी आगे जाना है, इस खूबसूरत दुनिया को देखना है जो इस ऑर्फनेज के बाहर है। क्या आप ठीक नहीं कर रहे मिस्टर गॉड? 2 महीने की थी जब यहाँ लाए थे, इतने दिन अपने पास रखा, अब क्यों दूर भेज रहे हैं? गॉड कभी किसी से दूर नहीं जाता है माय चाइल्ड, और मुझे तुम्हारे फ्रेंड मिस्टर गॉड ने तो कहा है कि आना इस दुनिया से बाहर जाए, दुनिया देखे और अपनी दुनिया खुद बनाए। अगर मेरे फ्रेंड मिस्टर गॉड ने कहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ? I'll go. May God always be with you, my child. और फिर भी कभी ऐसा लगे कि तुम्हें वापस आना है तो फौरन चले आना, ये तुम्हारे फ्रेंड का ही तो घर है। थैंक यू मदर, कहाँ जाना है मुझे? पापा। यस माय प्रिंसेस। आपने बोला था जो लोग आकाश में चले जाते हैं वो तारे बन जाते हैं। हाँ बेटा, वो तारे बन जाते हैं। हमारी मम्मी भी क्या तारा बन गई है? बोलो ना पापा। वो देखो, वो जो सबसे ज्यादा चमकता तारा है ना, वही मम्मी है। मम्मी दिन में कहाँ चली जाती है पापा, दिखाई क्यों नहीं देती? दिन में मम्मी हमारे दिल में छुप जाती है। वो मुझसे बात कर सकती है? आपको क्या बात करनी है? मैं बोलूंगी मुझे कहानी सुनाओ। कहानी? कहानी तो हम भी सुना सकते हैं।
कौन सी कहानी सुनेंगे आप? वो जो राजू चाचा ने आपको सुनाई थी ना, वो शेर वाली कहानी। एक समय की बात सुनो, ये बात है बड़ी पुरानी, मैंने तुम्हारे राजू चाचा से सुनी थी ये कहानी। एक शेर था एक शेरनी, उनके थे तीन बच्चे, तुम जैसे वो शैतान थे लेकिन 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 क्या पापा? लगते थे सबको अच्छे। छोटी सी एक गुफा के अंदर छोटा सा एक घर था, उनके जीवन में ना कोई दुख ना कोई डर था। आके लाडले थे वो, पाप को जान से भी प्यारे, हंसते गाते मौज उड़ाते, मिलके रहते थे सारे। होनी ने जाल बिछाया, वहां एक शिकारी आया, वो शेरनी सामने आई, उसने बंदूक चलाई, वो शेरनी घायल हो गई, चिल्लाई तड़पी सो गई। उसने फिर आंख न खोली, सीने में लगी थी गोली। हे, रोते नहीं, ये तो कहानी है, इट्स जस्ट अ स्टोरी। लेकिन वो मरते मरते ये कह गई, चलते चलते मेरे साथी मेरे सजना, इन बच्चों को प्यार से रखना, तुम बाप हो भूल न जाना, माँ का भी फर्ज निभाना। पापा ये तो कहानी है, पापा कम ऑन, पापा चीयर अप। यस। हे बाप भला क्या जाने माँ क्या होती है, बच्चों के संग कैसे हंसती कैसे रोती है, उसने भी यूं हंसना रोना सीख लिया, बच्चों के संग जगना सोना सीख लिया। समय रुका फिर धीरे धीरे चलने लगा, मन का घाव धीरे धीरे भरने लगा, बाप की उंगली थाम के बच्चे चलने लगे, मां के बदले बाप की गोद में पलने लगे, साल महीने मौसम आने जाने लगे, शेर के बच्चे फिर से हंसने गाने लगे। मां की कहानी कल, चलो अभी सो जाओ। अच्छा बाबा तो सुनो। ओ राहुल ओ रोहित ओ रानी, सुनो आगे अब ये कहानी। पड़ा उन पे फिर गम का साया, वहां एक बब्बर शेर आया, वो गुर्राया चिंगाड़ा ऐसे कि खा जाएगा सबको जैसे। वो बच्चे तो बस डर के भागे, मगर आ गया बाप आगे, शुरू हो गया एक दंगल, लगा थापने सारा जंगल, दरख्तों पे जा बैठे बंदर, छुपे सांप भी बिल के अंदर, कहीं उड़ गए सब कबूतर,
चढ़े भालू पर्वत के ऊपर, लगे भागने डर के हाथी, न था शेर का कोई साथी, हुई खूब चमके लड़ाई। बब्बर ने बहुत मार खाई, तो बच्चों ने ताली बजाई। पापा, आप मम्मी को याद कर रहे हैं ना? मम्मी को भी और राजू को भी। जब आप राजू चाचा से इतना प्यार करते हैं कि उनके लिए रोते भी हैं, तो आपने उन्हें मारा क्यों था? इसलिए मारा था कि वो सिगरेट पीने लगा था। 12 साल का बच्चा जब बड़ों की हरकतें करने लगे तो उसे कैसे माफ किया जा सकता है? भूल जाइए, जाने वाले को याद करके क्या फायदा। जाने वाले दो तरह के होते हैं रोहित, एक जो कभी लौट कर वापस नहीं आते जैसे मम्मी, और एक जो वापसी की आस छोड़ जाते हैं जैसे राजू। गेट लॉस्ट जर्क। क्या बोले? हेलो, हेलो। कितना? एक्सक्यूज मी मिस्टर, प्लीज कम इन क्यू। ओके, आई एम इन क्यू। ठीक है सर। नो स्मोकिंग सर। लो तो फिर ये सिगार पकड़ लो बेटा, बुढ़ापे की पेंशन लेने आया हूँ और सिगार बहुत महंगा है, पकड़ ले बच्चे। प्यार की बोली कोई नहीं समझता। मैनेजर बाहर आ। वॉचमैन गेट बंद कर जल्दी। आई न्यू दिस विल हैपन। मेरे को मालूम था ऐसा होएगा। ज्योतिष ने बोला था शादी के बाद मरेगा। चुप। रोने की आवाज से मेरे हाथ कांपने लगते हैं, दिल डूबने लगता है मालूम। बात बात पे गोली को चला रहे भाई, मेरी अभी भी शादी हुई है, हनीमून के लिए जा रहा, पैसा निकल ले रहे बाबा। गोली मत चला, मैं तुम्हारे बच्चे जैसा हूँ। बोलो ना, अभी बोल क्यों नहीं, तेरा बाप लगता है, बोल ना। चुप बैठो, मेरा दिमाग खराब मत करो। चुप। बेटी ये नोटों के बंडल जरा मजबूत थैली में डालना, दूर ले जाने हैं। चलो जल्दी करो, मैं कुछ आटा पीला के जवाई हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ ना। चलो सब लॉकर रूम में चलो, चलो चलो बेटा लॉकर रूम, चल। ए लॉकर रूम में क्यों डालते भाई? अरे यार ये लॉकर में क्यों डालते मेरे बाबा? अरे मेरे बाबा का बीमारी है चाचा। अरे नहीं भाई सब शादी करेंगे। बाबा का बीमारी है चाचा। अरे नहीं मेरे पैसे दे दो। बोल इनको, बोल, आवाज नहीं करे वरना मैं लाशें गिरा दूंगा, समझा? यस सर। बोल जल्दी, जल्दी बोल। हेलो 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 हेलो। अरे बोल क्यों नहीं? हेलो, ये आवाज कैसी थी? वीडियो गेम खेल रहा हूँ, आवाज नहीं पहचानता गोली की। ये जो कुछ तुम कर रहे हो ना, उसका अंजाम जानते हो? अब अंजाम का क्या सोचना बेटा, कब्र में पांव लटकाए बैठा हूँ,
देखो बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अब तुम बाहर नहीं निकल सकते। तुम निकालोगे? अगर मैं बाहर नहीं निकला तो अंदर जितने लोग हैं उनकी लाशें निकलेंगी। तुम चाहते क्या हो? बुढ़ापे का सहारा बेटे, कुछ रुपए और गाड़ी वाड़ी। कौन सी गाड़ी चाहिए तुम्हें? एक बुलेट प्रूफ जीप, एक हार्ले डेविडसन मोटर बाइक और एक मिलिट्री ट्रक, बस और कुछ नहीं। तुम्हें भागने के लिए इतनी सारी चीजों की क्या जरूरत है? अरे मैं बहुत मूडी आदमी हूँ, पता नहीं मेरा क्या मूड बने। अगर तुम्हारी सारी डिमांड्स पूरी कर दी जाएं, तो तुम सब लोगों को छोड़ दोगे? बिल्कुल, मैं जबान का पक्का आदमी हूँ, एक डिमांड पूरी होने पर एक आदमी को छोड़ दूंगा। एक नहीं, 10 आदमियों को। बेटे डिमांड मैं कर रहा हूँ या तू कर रहा है? 10 नहीं, 2 छोड़ूंगा, 2। ठीक है, मैं होम मिनिस्टर से बात करता हूँ, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। ए, सुनो, जैसे ही मेरी पहली डिमांड पूरी होगी मैं एक आदमी को छोड़ूंगा। बोलो कौन जाएगा? तुम्हारी पहली डिमांड पूरी हो गई है। अंदर कितने लुटेरे हैं? बस एक ही है सर। एक नहीं, 100 के बराबर है वो। एक नहीं है वो। उसके पास क्या क्या हथियार है? उसके पास हथियार है साहब, गन है, रिवॉल्वर है, RDX से चाकू है, RDX से इसे किलर सर साहब। और भी लोग तकलीफ होने बचा लीजिए सर। साहब ये बहुत घबराए हुए साहब। ठीक है, तुम लोग अपना नाम पता लिखा कर जा सकते हो। जी इंस्पेक्टर सिंह सर। चलो और सुनो जी, इसको फौरन डॉक्टर के पास ले जाओ। जी साहब जी जी। थैंक यू सर। अरे भाई शेखर, मेरी जान, मेरा भाई, मेरा दोस्त, कितने दिनों बाद हमने बड़ा हाथ मारा यार। अब तो जिंदगी के गम हमसे इस तरह भागेंगे जिस तरह हम पुलिस से भागते आए हैं। यार माल कितने मिला यार? अरे बहुत है यार, गिनते गिनते रात हो जाएगी, कल सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ लेंगे। महीनों हो गए यार बाबू के दीदार किए। एक थैला तो दिखा दे मेरे भाई। देख ले तेरे पास ये थैला। मेरे पास क्या है? थैला मैंने तुझे दिया था। मेरे पास थैला नहीं है यार। अरे यार मेकअप निकालते निकालते मैंने तुझे दिया था। थैला मेरे पास कहाँ है? तुझे दिया था थैला। हाँ थैला थैला थैला। थैला मेरे पास नहीं है। हाँ तेरे पास है। कहाँ है मेरे पास? नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है यार। तू थैला बात करते है तू जादू। मैं तो कहाँ बर्बादी है इतनी मेहनत की। अरे गाड़ी 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 बर्बाद कर दिया। कमाल की चीज बनाई है बनाने वाले ने। क्या बॉडी है, नजर पिछली जा रही है। जब ये चलती होगी तो क्या मंजर होता होगा यार। लोग अपने दिल थाम लेते होंगे। काश कि ये मुझे मिल जाए। क्या मुस्कुराहट है। गाड़ी मुस्कुराती है क्या? अबे मैं गाड़ी वाली की बात कर रहा हूँ। ये तो शान का सीन हो गया यार। लेकिन फिर भी ये गाड़ी हमें मिल जाए तो 6 महीने की कड़की दूर हो जाए गुरु। मैं सोच रहा हूँ अगर ये गाड़ी वाली मिल जाए तो सारी जिंदगी की कड़की दूर हो जाए। मैं कोयले की बात करता रहा तो कोयले की खान में घुसने लगता है। देसी दुकान लूटने की बात थी, दाढ़ी मूछ लगा के मेरे को बैंक में ले गया और माल भी भूल के आ गए। चद्दर में रहना अपने। मैडम लैंडस्लाइड हो गया है, रास्ता कल सुबह तक खुलेगा। ओए बहन जी क्यों नाराज हो रहे हो? रास्ता बंद हुआ थे क्या हुआ? और दिल का रास्ता थे खुला है साथियों। और प्यार है, इरमान है, दिल जवान है, नाल मेरी जान है, होर की चंदा है। होए होए वैलेंटाइन डे मलाली में नहीं थे, इतने ही मला लेंगे।
जादू अब देख मेरा जादू। तेरे लबों पे इनकार है, मेरे लबों पे इकरार है। हाँ यही तो है सब निशानियां, हाँ इसी का नाम तो प्यार है। भी नाराज हूँ संजना। संजना? कौन संजना? मैं तो आना हूँ। कब तक नाराज रहोगी? अगर मेरा प्यार सच्चा है तो एक दिन तो मुझे जरूर माफ कर दोगी। But I'm not... जरूर माफ कर दोगी। ओ जी बाटे छाटे छाड़ो, ऐसी भी क्या नाराजगी। आज तो वैलेंटाइन डे हैगा, चाटा मारन दा नहीं प्यार करन दा दिन हैगा। लेकिन मैं इसे पहचानती नहीं हूं, आई डोंट नो हिम। मोहतरमा, कमाल है मेरे इस नादान शेखर की तरफ से मैं माफी का ख्वास्तगार हूँ। सूरत हाल ये है कि इसकी महबूबा की शक्ल आपसे बहुत मिलती जुलती थी और वो कम नसीब मर चुकी है। और ये बदनसीब यकीन करने को तैयार नहीं, मजनू बनकर अपनी लैला को सहरा सहरा ढूंढ रहा है। इसे माफ कर दीजिए, कोई थप्पड़ से न मारे मेरे दीवाने को। शेखर, शेखर।
Anna, these are my boys Rohit, Rahul, my little girl Rani, and here Casper. Oh, he's so cute. Thank you. Nice meeting you, ma'am. Thank you. Welcome, ma'am. Thank you so much. Morning, ma'am. Good morning. Come on, guys. Casper, come on, let's go. Jaldi, chalo. They're nice kids. शैतानों की टोली है ये। बच्चों को संभालना मुश्किल नहीं होता सर, चाहे जैसे भी हों, होते तो बच्चे ही हैं ना। मैं 40 बच्चों को संभाल चुकी हूँ, ये तो सिर्फ 3 है। I like your confidence. वैसे है ना ये BBC, BBC, है ना मैम साहब? Pleased to meet you, ma'am. Watermelon or water? Nothing for me, thank you. Ram Singh? Yes, sir. मैम साहब को इनका कमरा दिखाइए। Okay, sir. Thank you, sir. Good day. This way, ma'am. सुरिंदर। बीबीसी? यस सर। कुछ डर सा लग रहा है। डर? यू मीन फियर सर? क्यों? त्रिमूर्ति बड़ी शरीफ है। ये तो गुड बात है सर। बैड बात है बीबीसी, जब समुद्र शांत हो तो भयानक तूफान आता है। जी। खैर मैं साइट पर जा रहा हूँ, कल सुबह लौटूंगा। जी। और हाँ, बच्चों पर कड़ी नजर रखना, कहीं आना को परेशान करे वो। यस सर। साइड पे लो सुंदर। तूफान यानी कि साइक्लोन। Oh,
आओ आओ बच्चों आओ, गर्मा गर्म चाय पियो आओ। अरे मुट्ठी तो काट ली, और क्या क्या काटेगा। हेलो, गांधी जी ने क्या कहा? कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। भगवान बुद्ध का क्या उपदेश था? बड़ों का आदर करना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा? कि अपना काम करो और फल की इच्छा मत करो। चाचा नेहरू का क्या संदेश था? बच्चे भगवान का रूप होते हैं। ओके ओके एवरीबॉडी, रेडी इन 15 मिनट्स फॉर स्कूल। ओके बाय गाइस, यू बेटर बिहेव। संजू मैं भी आता हूँ। तुम फिर आ गए संजू, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मैं यूं ही माफी मांगने आता रहूंगा। अब तो जिंदगी का यही मकसद रह गया है, क्योंकि तुम ही मेरी जिंदगी हो। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैंने कहा ना, मैं संजना नहीं हूँ, मैं आना हूँ। तुम्हारी संजना तो ना, 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 ना। नाम बदल दिया माना, मुझे भुला दिया माना, लेकिन तुम अपने प्यार को कैसे भुला सकती हो? कैसे भुला सकती हो वो खूबसूरत दिन जब हम मिले थे? याद है, आसमान में बादल छाए हुए थे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैं बस पकड़ने के लिए भाग रहा था कि मेरा पैर फिसला और मैं कीचड़ में जा गिरा। मैं अपना पैर पकड़ के दर्द से करार रहा था कि एक खनकती हुई हंसी की आवाज सुनाई थी। I'm going. Please. हवा ने जैसे गिटार के तारों को छू लिया। मैं पलटा, वहां तुम खड़ी थी, आंखों में मुस्कुराहट, बाल हवा में उड़ रहे थे। मैं अपना दर्द भूलकर तुम्हारे पास आया और मैंने कहा, अगर तुम यूं ही हंसती रही तो मैं बार बार गिरने को तैयार हूं। तुम फिर हंसी और तुमने मेरे घुटने पर अपना स्कार्फ बांध दिया। याद है संजू, क्या दिन थे। याद है ये अंगूठी तुमने अपनी उंगली से निकाल के पहनाई थी। इस प्यार की निशानी को भी भूल गई तुम, सारे रिश्ते तोड़ दिए। अरे सोनी ने तो तुम्हें जलाने के लिए मेरे गले में हाथ डाला था। इतना भड़क गई तुम, इतना भड़क गई कि मुझे थप्पड़ मार दिया। मैं चिल्लाता रहा, संजू संजू, लेकिन तुम इतने गुस्से में थी कि तुमने मुझे देखा भी नहीं, और ना ही उस गाड़ी को देखा जो सामने से आ रही थी। और तुम उस गाड़ी के साथ संजू 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 संजू, तुम ठीक हो संजू? संजू संजू संजू, ये क्या हो गया संजू? संजू संजू घबराओ मत संजू, संजू सब ठीक हो जाएगा संजू। हे भगवान, हे संजू। अरे सुनिए, गाड़ी रोकिए प्लीज, गाड़ी रोकिए मेरी। अरे कोई तो मदद करो मेरी संजू भाई साहब। ए पागल है क्या? भगवान, अरे कोई तो मदद कीजिए, मेरी संजू जख्मी है, अरे अस्पताल लेके जाना है। प्लीज कॉल द एम्बुलेंस, प्लीज भाई साहब कोई तो मेरे साथ आओ, मेरी संजू प्लीज भाई साहब। संजू 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 संजू, ये सब क्या हो गया संजू? लेकिन मैं रो क्यों रहा हूं? मेरी संजू तो मेरे सामने, ऊपर वाला कितना मेहरबान है। संजू
उसने मेरी सुन ली और तुम बच गई, लेकिन इतनी छोटी सी बात पे इतनी नाराजगी, पहचानती तक नहीं, ये ठीक नहीं है संजू। हाँ हाँ, ये सचमुच गलत बात है। हाँ ये गलत है। Shut up. चलो तुम लोग क्लास में जाओ, चलो। I said go to class. मैं फिर आऊंगा संजू, संजू मैं फिर। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, पूरे 2 लाख हैं। होना ही चाहिए, लाशें भी तो 2 हैं। प्रिंस की तरफ शक नहीं जाना चाहिए। किसी की तरफ शक नहीं जाएगा सर। अच्छा मैं चलता हूँ। ओके अच्छा मैं भी चलता हूँ। बाय वकील। बाय। हाय डार्लिंग। हाय स्वीटहार्ट। प्रिंस कम, आइंदा गाड़ी संभाल कर चलाया करो, 2 लोगों को उड़ा दिया, हर बार इतने रुपयों का नुकसान। मैंने क्या नुकसान कर दिया? 2 लाख रुपए का, और आपने 29 करोड़ का नुकसान कर दिया। सिद्धार्थ राय की बात। रिलैक्स प्रिंस, अकल से काम लिया करो। मैंने सिद्धांत राय की बात इसलिए मानी क्योंकि डैम में क्रैक्स हमारी वजह से पड़े थे। अगर इंक्वायरी हुई तो हम सबके अंदर जाने की नौबत आ सकती है। और हम अंदर नहीं जाना चाहते। मगर हम क्यों अंदर जाएंगे? प्रिंस, अभी तो हम सिर्फ 30% के पार्टनर हैं। अगर हम उसकी एम्पायर के 100% मालिक बनना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि सिद्धांत राय जी को कुछ दिन और नाराज ना किया जाए। मैं कुछ समझा नहीं भाई साहब। मैं समझाऊंगा भी नहीं। मैडम आपको टेलीग्राम। मैडम आप कहीं जा रही हैं? ओ गॉड, अब तो जाना ही पड़ेगा। मैडम के मम्मी और डैडी एक्सीडेंट में। हाउ सैड। सॉरी टू हियर अबाउट इट मैम। डोंट बी सॉरी रोहित, मेरे माँ बाप को मरे हुए 20 साल हो चुके हैं। अगर अफसोस करना ही है तो अपनी माँ पे करो, जिसकी आत्मा आज बहुत दुखी हुई होगी। उस बेचारी ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि जो बच्चे अपनी माँ खो चुके हैं किसी और के माँ बाप की मौत का जोक बना सकते हैं। ये सब आप लोगों ने इसलिए किया ना कि मैं चली जाऊं। I'm going. आप जैसे लोगों की नौकरी करने से तो अच्छा है मैं अनाथ आश्रम में उन बच्चों की देखभाल करूं जो कभी किसी का दिल नहीं तोड़ते, क्योंकि उनके खुद के दिल टूटे हुए होते हैं। Anyway, मैं आप लोगों का ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आज आप लोगों की वजह से मैं अपने दोस्तों के पास वापस जा रही हूं। प्लीज फॉरगिव देम मिस्टर गॉड। बीबीसी, मेरे लिए एक गाड़ी मंगा देना प्लीज। हम तीनों शैतान बड़े हैं लेकिन हम हैरान बड़े हैं। हमने तुमको बड़ा सताया, तुमने हमको गले लगाया। मैडम तुम जीती हम हारे, कान पकड़ते हैं हम सारे। भूल हमारी माफ करो, अब हंस दो गुस्सा छोड़ो, छोटे छोटे दिल ना तोड़ो। दीदी तुम हम सब की जान हो, बिन माँ के बच्चों की माँ हो।
राजा। चिड़िया ने चुराया एक दाना, अरे ओ काले कौवे ने शोर मचाना, ओ लुक छुप जाना, ओ कई का दाना, ओ राजे की बेटी तू अभी ना आना। तुरुरुरुरुरु तुरुरुरुरुरु, मैं बोलू आई लव यू, तुम बोलो आई लव यू, चलो जी गाते हंसते वहां जादू जहाँ चलते हैं। हाँ, कहीं से आई रानी, कहीं से आया राजा, ओ छुओ ना चुकाओ, बजाओ बैंड बाजा। कहाँ से आई रानी, कहाँ से आया राजा, न कोई खिड़की न कोई दरवाजा। ला 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 तुम सब घटिया लोग, अपने आप को इंसान कहते हो? यह है तुम्हारी इंसानियत? देखो देखो ये फुटेज, और डूब मरो तुम सब लोग। हमारी वजह से हजारों बेघर हो गए, 80 लाशें मिल चुकी हैं अभी तक, सैकड़ों मलबे के नीचे दबे पड़े हुए हैं, हजारों एकड़ की फसल खत्म हो चुकी है, उस इलाके में ना पीने का पानी है ना बिजली। इतनी तबाही, इतनी बर्बादी, और तुम लोगों में से कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आई वॉन्ट टू नो, जब पहली रिपोर्ट आई कि डैम में क्रैक्स पड़ रहे हैं, तो मेरे कहने के बावजूद इमीडिएट एक्शन क्यों नहीं लिया गया? किस की तरह से ये डिले था? कौन है जिम्मेदार इसका? किल द बास्टर्ड मास्टर, कौन है? मैंने इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया है सिद्धांत। मुझे आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मूर्ति सर, अपनी टीम सेलेक्ट करो, अगर चाहो तो बाहर से इंजीनियर्स बुलाओ, लेकिन मुझे रिपोर्ट संडे को चाहिए। राइट सर। दिस संडे। राइट सर। माफी मांगने
बेटा जब तक तुम्हारी दीदी मुझे माफ नहीं करेगी मैं माफी मांगता रहूंगा। कन्फ्यूशन का कहना है कि माफी गॉड से मांगनी चाहिए। अच्छा होगा कि आप कन्फेशन कीजिए। कन्फेशन? जाइए अब कन्फेशन कीजिए। कन्फेशन? फादर जो कानून दुनिया की अदालत का है फादर वही कानून प्यार की अदालत का क्यों नहीं है? जितना जुर्म होता है उससे बड़ी सजा क्यों मिलती है? क्यों? फादर वो जानता है फादर कि मैं संजना से कितना प्यार करता हूं। She is my life, you know? फिर भी उसने मेरे साथ इतनी छोटी सी बात पर संजना मुझसे पहचानने से इनकार करती है। मैं यहां कुछ मांगने नहीं आया हूं फादर बल्कि यह बताने आया हूं कि अगर आज मुझे संजना नहीं मिली और उसने मुझे माफ नहीं किया तो मुझे वो करना पड़ेगा जो उसकी नजरों में जुर्म है। लेकिन मैं ये जुर्म करूंगा फादर। हाँ फादर मैं आत्महत्या करूंगा। शायद यही एक तरीका है मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने का और अपने प्यार को अमर करने का। थैंक यू फादर। शायद फिर कभी ना मिले। भगवान थैंक यू। पता है 24 घंटे में एक टाइम ऐसा आता है जब ऊपर वाला नीचे वाले की बात फौरन मान लेता है। जानती हो मैंने भगवान से क्या मांगा? मैंने मांगा कि अगर मेरे प्यार में जरा सी भी सच्चाई है तो मेरी संजू मुझे मिल जाए। भगवान ने मेरी सुन ली और मेरी संजू मुझे मिल गई। मैं मर जाऊंगा संजू तुम्हारे बगैर। मैं मर जाऊंगा। अब माफ भी कर दो संजू। प्लीज मुझे माफ कर दो संजू। संजू प्लीज जाओ। बस बहुत हो गया। बहुत हो गया तेरा पागलपन। अब इसे दूर करना बहुत जरूरी है। क्या बकवास कर रहा है तू? तेरा दिमाग खराब हो गया है। मेरा नहीं तेरा खराब हो गया है। तुझे पूरा हक है अपने आप को तकलीफ पहुंचाने का, मुझे तंग करने का, लेकिन एक मासूम लड़की को परेशान करने का तुझे कोई हक नहीं है। परेशान? मैं अपनी संजना को कैसे पर... बहुत हो गया है। अब वक्त आ गया है हकीकत से मुखातिब हो जाओ। मुखातिब? सच्चाई। सच्चाई को जान ले मेरे भाई। सच्चाई? कैसी सच्चाई? यही कि ये तेरी संजना। नहीं बहन, ये मरता है तो मरने दो। आखिर कब तक ये परेशान करता रहेगा आपको? लेकिन नहीं, इसका हकीकत से वाकिफ होना बहुत जरूरी है। ये तेरी संजना नहीं है, ये ऐना है। ऐना? तेरी संजना का इंतकाल हो गया यार। वो मर चुकी है। मर चुकी है वो। क्या? तो नहीं? अरे वो गाड़ी के नीचे आके मर गई है मेरे भाई। नहीं। अरे उसका अंतिम संस्कार मैंने अपने हाथों से किया यार। ये झूठ है। झूठ है। झूठ है। सच है। सच है। सच है। नहीं। शेखर, माफ करना मेरे भाई। हकीकत बयान करना बहुत जरूरी था, मुझे माफ करना। सुनिए, क्या मैं कोई इश्क की आग में आशिक जलता रहा है, जलता रहेगा? ये तो बेचारा कब का मर चुका है, बस जी रहा है, जीता रहेगा। लेकिन क्या मैं कोई? आप जाइए, मैं से संभाल लूंगा। आप जाइए। चलो। Are you sure? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जाइए, कोई बात नहीं, मैं इसे संभाल लूंगा। शेखर जाइए जाइए, आप जाइए। उल्लू के पट्टे, इतनी जोर से थप्पड़ मारा। तुम तो जानते हो मैं कितना मेथड एक्टर हूँ, और उस दिन के थप्पड़ का बदला भी तो लेना चाहिए था ना। तेरी बुलाऊं क्या?
मेरा धोने को तैयार है, एक दो तीन चार कहो ना चार है, कहो ना चार। आइए आइए मोहतरमा आइए, आपके आने से इन फिजाओं में बहार आ गई है, कहिए क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी। शेखर कैसा है? सच्चे आशिकों को जल्दी मौत नहीं आती मोहतरमा। चचा मजनू बरसों रेगिस्तान की रेत में मौत ढूंढ रहे थे, मगर भरे कहाँ, लैला के दरवाजे पर। हाय मजनू, कहाँ है वो? अपनी यादों की शीश महल में बैठा होगा, जहाँ हर तरफ संजना ही संजना होगी। ठीक से बताओ जादू, कहाँ है वो? अब आप इतनी बेचैन और बेकरार हैं उसकी हालत इजार जानने के लिए, तो बता देता हूँ, वो बदसी वाशिक सनसेट पॉइंट पर बैठा होगा। देखिए, मैं कल की बात के लिए बहुत शर्मिंदा हूं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने जुनून में आपको बहुत सताया, सच पूछिए तो गलती ना आपकी है ना मेरी। ऊपर वाले ने मेरे साथ बहुत कमाल का मजाक किया है, मेरी संजू को मुझसे छीन लिया और मुझे तड़पाने के लिए उसकी हमशक्ल भेज दी। I'm very sorry. खुश नसीब थी संजना, जो उसे आप जैसा प्यार करने वाला मिला। उसे प्यार मत कहिए, बहुत छोटा शब्द है। इंसान मरते हैं तो उनके साथ उनकी यादें क्यों नहीं मर जाती? मैं संजना को भुलाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ शेखर। मेरी तो ट्रेजेडी ही यही है, मैंने जिससे भी प्यार किया सबको खो दिया, माँ बाप भाई यहां तक कि संजू, सब। तुम बहुत लकी हो शेखर कि तुम्हारे पास कुछ खोने के लिए था। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कुछ पाया ही नहीं जो खो सके। तुमने अपने माँ बाप को देखा तो होगा, उनके सपने तो देख सकते हो, उन लोगों के पास तो सपने भी नहीं है। मेरी आंखों में देखो शेखर। डरता हूं कहीं फिर से प्यार ना करने लगूं और तुम्हारा चोट खाने की हिम्मत। मैं वादा करती हूं शेखर कि आज के बाद तुम्हारा दिल कभी नहीं टूटेगा। Promise I'll never hurt you. What? I love ये
वादा है, ये मेरा प्यार मेरी कसम है। कसम ये सनम न टूटे कभी जिंदगी में, ना ये साथ छूटे वो हो बेवफा जो मोहब्बत में रूठे। कहो ना ये वादा है, ये मेरा प्यार मेरी कसम है, कसम ये सनम न टूटे कभी जिंदगी में, ना ये साथ छूटे है, जान लिया है नैनों की डोरी से हमने तुमको बांध लिया है। ये बंधन हमारा ना मर के भी टूटे वो हो बेवफा जो मोहब्बत में रूठे। ये ये मेरा प्यार मेरी कसम है, कसम ये सनम न टूटे। कौन है ये? पापा ये आए हैं। वो तो मैं भी देख रहा हूँ राहुल, मगर क्यों आए हैं ये? पापा वो टीवी टीवी को ठीक करने आए हैं ना। टीवी? कौन सा टीवी खराब हो गया? पापा टीवी नहीं, टीवी का प्रोग्राम खराब हो गया है। पापा प्रोग्राम टीवी टीवी में तो कार्टून नेटवर्क ही नहीं आता। सर बीबीसी, मेरा मतलब है हम नहीं, बीबीसी एनबीसी सीएनएन कुछ भी नहीं आ रहा है सर। मेरे ख्याल से तुम लोग मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो। नहीं सर, यस सर, ये सब झूठ बोल रहे हैं। सच तो ये है कि मैं चलता हूँ। ठहरो, अगर सच का संबंध तुमसे है तो तुम कहीं नहीं जा सकते। आना सर, ये शेखर है एंड वी आर इन लव। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। शेखर मर गए। तुम करते क्या हो? गाड़ियों का एजेंट हूँ। किसी को कोई गाड़ी पसंद आ जाए तो उस तक पहुंचा देता हूँ, बैंक से भी फाइनेंस कराता हूँ। ऐसे कितना कमा लेते हो? फिक्स इनकम नहीं है सर, किसी महीने लाखों हाथ लग जाते हैं, कभी घर से देकर पीछा छुड़ाना पड़ता है। ऐना से प्यार करते हो? बहुत खुश नसीब होगा वो इंसान जिसे ऐना जैसी साथी मिले। शादी करोगे उससे? संडे मैं फ्री हूं, आप? ऐना संडे तुम फ्री हो? आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन सर।
अरे खोने का और रोने का सोने का टाइम नहीं है मेरे भाई। अरे एक महीना हो गया मेरे बाप पकड़ने आए थे मोर और हाथ में आ गया कौवा। भाई साहब आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो मोहतरमा आपकी सो कॉल्ड महबूबा करोड़पति सिद्धांत राय की दूर तक कोई रिश्तेदार नहीं है, उनके बच्चों की गवर्नेंस है। आया सिर्फ आया, समझ में आया मेरे भाई? आई एम इन लव जादू, मैं शादी कर रहा हूँ। बाबूजी जी साहब 50 समोसे देना। कौन सा दूं साहब, मीठा समोसा, आलू समोसा, कीमा समोसा? बस 50 आलू समोसे बांध दीजिए जी साहब। पैकेट जरा अच्छा बनाना। ठीक साहब, ये लीजिए पैसे, मैं अभी आता हूं। ठीक साहब, ये रहे पूरे 52,000 के। ये अच्छी है। एक काम कीजिए। हाँ बोलो भाई। ये लीजिए 2,000 और अपना आदमी साथ भेज दीजिए, बाकी के पैसे मैं दे देता हूँ। ठीक है। ए सुन शंकर जी, पिताजी जरा साहब के साथ जा और 50,000 ले आ। ए समोसा लेके जा। ओ बाबूजी मेरा 50 का पैकेट रेडी है। हाँ रेडी है साहब। जाओ शंकर ले लो। अच्छा चंगा बाबूजी। अच्छा जी पैकेट देना भाई, ये लो गर्मा गर्म समोसे, पूरे 50 हैं। समोसे 50? अरे समोसे नहीं चाहिए, पूरे 50,000 रुपए चाहिए। सुबह सुबह भांग खाई है क्या? 100 रुपए के समोसे लेने आया, 50,000 रुपए चाहिए। अरे चल दफा हो जा यहां से। अरे लुट गया। जादू तुझे याद है ना मैं कल शादी कर रहा हूँ? अरे तू हंसी रहा। इस दुनिया का कानून भी अजीब है। चोरी की सजा है, दिल चुराने की सजा नहीं है। तोड़ फोड़ की सजा है, भरोसा तोड़ने की सजा नहीं है। मेरे ख्याल से कानून में कुछ तब्दीली होनी चाहिए। क्यों भाईजान? ये क्या ड्रामा कर रहा है? ड्रामा मैं नहीं कर रहा हूँ, ड्रामा तू कर रहा है उस मासूम भोली भाली लड़की के साथ। सच्ची मोहब्बत करने चला है चोरी की अंगूठी के साथ? ये सच्ची मोहब्बत है जिसकी पूरी बिल्डिंग झूठ की बुनियाद पर खड़ी है? शादी के बाद जब असलियत सामने आएगी ना, पता है क्या होगा? वो गैरतदार लड़की अपनी जान दे देगी। पहले तो नकली संजना के लिए रोते थे, फिर असली आईने के लिए रोना असली आंसुओं से। देख मेरे भाई मेरी बात सुन, महबूबा से और खुदा से कभी झूठ नहीं बोलते। अगर तू सचमुच उससे प्यार करता है तो साफ साफ बता देना यार, वो तुझे माफ कर देगी। तुम यहां 3 घंटे इंतजार नहीं कर सकते? वो आयना से कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ तो हमको टेल करो, हम उनको जाकर टेल करते हैं। तुमको नहीं बता सकता तो हमें बता दीजिए। तुमको भी नहीं बता सकता तो मेरे बारे में क्या ख्याल है शेखर? सर वो सर दो मिनट आयना से अगर ओके जाओ हरि ओम। आंटी जल्दी करो वरना दीदी शादी के लिए लेट हो जाएगी। शेखर अंकल। बोलो। अब है ना मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। शेखर अंकल जो भी कहना हमारे सामने कहिए। और अगर अकेले में बात करनी है तो शादी के बाद बात करना। I love you. Please father all yours. Thank you. आओ बच्चों पीछे आ जाओ। My dear friends, you have come together in this church so that the Lord रोहित भैया हम अपनी मैगी की शादी भी ऐसे करेंगे।
रुक जाओ। मैंने थप्पड़ क्यों मारा है इसका अंदाजा तुम्हें हो गया होगा। सर मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं कुछ जानना नहीं चाहता और जो लोग जानना चाहते हैं मैं बताता हूं, है ना? ये आदमी झूठा है, चोर है, फरेबी है। ये हमें धोखा देने आया है। यहां तक कि जो अंगूठी तुम्हें पहना रहा है वो भी चोरी की है। यस और नो? लेकिन यस और नो। यस। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुमने ऐना के साथ मेरी जायदाद के लिए प्यार का झूठा नाटक किया, क्योंकि तुम शायद समझ बैठे ऐना मेरी रिश्तेदार है। राइट और रॉन्ग? I said, am I right or wrong? Right, sir. Sir, let me explain. There is nothing to explain. तो मेरी सारी दौलत भी ले लेते तो मुझे इतना दुख नहीं होता जितना इस मासूम बच्ची को धोखा देने पर हुआ है। क्या चुराने आए थे तुम? अरे इस बेचारी के पास है ही क्या? जो कुछ भी था वक्त पहले से चोरी कर चुका है। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे आदमी को। जी सर, आप जो कुछ कह रहे हैं वो सच है। मैं झूठा हूं, फरेबी हूं, धोखेबाज हूं, मगर मैं ऐना को धोखा नहीं दे रहा हूं। मैं उसे सचमुच प्यार। तुम जैसे आदमी का किसी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। इंस्पेक्टर, ऐना का जो हाल है उसका जिम्मेदार मैं हूं। हां बोलने से पहले मुझे उस बदमाश के बारे में पूछताछ कर लेनी चाहिए थी। इट्स नॉट योर फॉल्ट। तकदीर हमारे हाथ में नहीं होती, वरना हर इंसान बदल डालता। क्या मैं ऐना को थोड़े दिनों के लिए अपने साथ ले जाऊं? जगह बदल जाएगी तो शायद। यस मैडम। लोग संडे को यहां क्या कर रहे हैं? हम ये देखने आए हैं कि तुमने अपनी रिपोर्ट में डैम गिर जाने की वजह क्या बताई है। सीमेंट में मिलावट थी,
और स्टील की जगह घटिया क्वालिटी का लोहा इस्तेमाल किया गया है। और इसका जिम्मेदार कौन है? डरो मत मूर्ति, बताओ रिपोर्ट में किसका नाम है? आप तीनों का। यह तो बहुत बदनामी वाली बात है। क्या ऐसा नहीं हो सकता मूर्ति कि यह नाम बदले जा सके? जी नहीं, आप लोगों की वजह से हजारों लोगों की जाने गई है, आप लोगों को तो सजा होनी ही चाहिए। क्या तुम 10 लाख रुपए लेकर अपनी राय बदल सकते हो? नहीं। 20 लाख? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। फिर तो तुम्हारी राय बदलने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है। भाई साहब, रिपोर्ट तो चली गई। रिलैक्स, इंस्पेक्टर सक्सेना को फोन करो, वो लाश का इंतजाम करेगा। एक फोन और लगाओ बाबू। पापा, पापा, रानी। रानी, दीदी के पास जाना है, इतनी छोटी सी बात के लिए हम सब चलेंगे ना दीदी के पास? रियली? चलेंगे। तो फिर ये दमे का दौरा नाटक था? तुमने मुझे उल्लू बनाया? सर, हमको भी उल्लू बनाया सर। रोज ये मजाक ठीक बात नहीं है। ये बिल्कुल पसंद नहीं ऐसा मजाक। सॉरी पापा, जब देखो सॉरी पापा, सॉरी पापा, तुम लोग मेरा फायदा उठाते तुम लोग। काम हो गया। Come, 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 come,
वेट वेट बेटा, हट 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 हट, आ गया बेटा आ गया, कब कब ऑलराइट हो जाएगा सब, जा जा जा, ओ ओ ओ ओपन करो ओपन करो, मार दो, आ ब्रीथ ब्रीथ ब्रीथ। जादू, ऐना का कुछ पता चला? कुछ नहीं, एक बुरी खबर है, सिद्धांत राय एक्सीडेंट में मारे गए हैं और उनके घर पे कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है, और क्या बताऊं यार, बच्चों की बहुत बुरी हालत है। जादू कुछ भी कर, जल्दी से मेरी बेल करा। ठीक है। हाँ तो बच्चों, तय ये हुआ है कि विक्रम जी के साथ में रोहित और प्रभाकर जी के साथ में राहुल और प्रिंस के साथ में रानी जाएंगे, और जब तक आप लोग बालिग नहीं हो जाते तब तक आपकी और आपकी जायदाद की देखभाल यही लोग करेंगे, क्योंकि इनके अलावा आपका और कोई भी करीबी रिश्तेदार नहीं है। हम अपनी देखभाल खुद कर सकते हैं सर, आप कौन होते हैं हमारे फ्यूचर का फैसला करने वाले? आई एम सॉरी बेटा, कानून बच्चों की राय नहीं मानता, हमको कोई अलग नहीं कर सकता। वकील तो कागज बना, जब मजिस्ट्रेट उन पर साइन करेगा ना, तब किसी का बाप भी कुछ नहीं कर सकेगा, कुछ नहीं कर सकेगा। बाप तो अब भी कुछ नहीं कर सकता। चल बे, बोतल लेके आ। देखता क्या है? अरे देख 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 देख, कैसे देखता है साला चुटकू। अगर तुम्हारे बाप ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं, तो हम सिखाएंगे। और जब तक इन्हें तमीज नहीं आती, इन तीनों का खाना पीना बंद। फियर नॉट बेटा, फियर नॉट, हम है ना, आज से ये रूम हमारा है। हेलो होली चाइल्ड ऑर्फनेज, जरा प्लीज आना दीदी को फोन देंगे। एना हाँ, तुम्हारा फोन। आइंदा बिना पूछे फोन मत करना वरना। हेलो, अरे बच्चे बच्चे कहाँ जाएंगे, पढ़े रहेंगे यहाँ पर, नौकरों की जरूरत तो पड़ती है ना। ए भाई साहब, ये लीजिए ये, हाँ भाई साहब, हाँ नहीं लग रहा है क्या, किसने बनाया? इधर आओ 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 आओ, बेचारों ने बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है, देखो कितने भूखे लग रहे हैं। आओ बैठो बैठो बेटा, हमारे साथ खाना खाओ, आ जाओ आ जाओ, बैठो बोल, डरो नहीं बेटा, बैठो, शर्माओ बैठो बेटा, शर्माओ नहीं, शर्माओ नहीं, शाबाश, लो खाना ले लो ले लो। ऐना दीदी, आप जितनी जल्दी हो सके हमारे पास आ जाइए, पापा की डेथ के बाद दादाजी और मामा जी हमें सता रहे हैं। रानी, रानी, बेबी सी, रानी क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हो रहा है? रानी, देखो क्या हुआ? Oh my God, बेटा, मैं इन्हें लेके आता हूँ।
दादू दादू रानी रानी दादू दादू रानी क्या हुआ? एस्थमेटिक दादू दादू रानी तो तुझे ही चाहिए ये पियो नहीं ये नहीं चाहिए तुझे सही है ना पियो 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 ये आप क्या कर रहे हैं सर इन बच्चों को किस बात की पनिशमेंट दे रहे हैं इन पर पीटी खाइए सर ये बच्ची बच जाएगी इसे इनहेलर दे दीजिए सर चाहे उतना मुझे पनिशमेंट कीजिए सर लेकिन इन बच्चों को जाने दीजिए प्लीज मुझे पनिशमेंट दूं ये बच्ची बच्ची की हाथ है सर दादी नहीं नहीं दादू दादू प्लीज मत मारिए दादू दादू नहीं मत मारिए बीगा बोल नहीं हाँ दादू पर अब इन्हें लर दे देंगे ना हाँ दे दूंगा पिएगा ना हाँ दादू मार रहे हाँ तू पी वो मारना बंद कर दे नहीं दादू नहीं नहीं चाहिए ना पी 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 ना ये एफिडेविट है इसमें बताया गया है कि स्वर्गीय श्री सिद्धांत राय का कोई भी करीबी रिश्तेदार श्री विक्रम सिन्हा श्री प्रभाकर सिन्हा और श्री रंजीत कुमार उर्फ प्रिंस के अलावा जिंदा नहीं इसलिए इन तीनों ने जो कि मेरे क्लाइंट्स हैं तय किया है कि वो इन बच्चों को गोद लेंगे और अपने साथ ले जाएंगे ताकि इन अनाथ और बेसहारा बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा सके और इस काबिल बनाया जा सके कि बालिग होने पर वो अपनी प्रॉपर्टी और बिजनेस को अच्छी तरह से संभाल सके प्रॉपर्टी के डिटेल्स इन पेपर्स पर हैं योर ऑनर बच्चों यहाँ आओ
आपके डैडी बहुत ही अच्छे आदमी थे, हमारे बड़े अजीज दोस्त भी थे। हमें बहुत दुख है कि उनकी बेवक्त मौत के कारण आप लोग पिछड़ रहे हो। ये पिछड़ कहाँ रहे हैं सर, आजकल के जमाने में दिल्ली, शिमला और मुंबई दूर कहाँ रह गए। मैं इन्हें अपने डड्डू से भी ज्यादा प्यार करूंगी सर। ये पेन सर। कौन है सर? सुना है यहां सिद्धांत राय की दौलत और बच्चों का बंटवारा हो रहा है, इसलिए मैं भी आ गया अपना हिस्सा मांगने के लिए। हिस्सा? भाई तू कौन है? जमाना बदल गया, लेकिन इतना भी नहीं बदला कि आप अपने भांजे को पहचान ना सके। मामा जी। मामा जी क्या मतलब? मतलब रजीत राय। उर्फ राजू। ये क्या बकवास है, है? तुम राजू नहीं हो सकते। राजू को मैं अच्छी तरह से पहचानता हूं। आप राजू को बुरी तरह भी नहीं पहचान सकते, क्योंकि जब मैं घर छोड़कर गया था आप यहां नहीं शिमला में थे। हमने उसकी तस्वीर देखी है। गया था 12 बरस का, लौटा हूं 30 बरस का। वो तस्वीर खुद भी मुझे नहीं पहचान सके। योर ऑनर, ये कोई इम्पोस्टर, कोई बैरूपिया है। मेरे मोहतरम दोस्त सूरत से पढ़े लिखे और कोर्ट से वकील मालूम होते हैं, लेकिन इन्हें मालूम होना चाहिए कि डिफेमेशन यानी बेइज्जती और मानहानि करने पर 5 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना है। तुम कोई वकील हो क्या? होते होते रह गया, लेकिन कानून याद दिलाना जानता हूँ। योर ऑनर, इन लोगों को तो मैं बाद में देख लूंगा, आप प्लीज इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। मेरे ख्याल से हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। अगर ये साहब साबित कर सकते हैं कि यही सिद्धांत राय के भाई हैं, तो फिर बंटवारे की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम ही राजू हो? झूठ को सच बनाने के लिए सबूत की जरूरत होती है। सच तो खुद एक सबूत है। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम राजू हो। मैं तो नहीं कर सकता, आप साबित कीजिए कि मैं राजू नहीं हूं। मामा जी। सर, आई उधर कमिंग, अभी मिल्क का दूध और वाटर का पानी हुआ जाता है। इन्हें आस कीजिए सर, इन्हें कौन सी वेजिटेबल्स अच्छी लगती थी। हाँ, इसे ये पूछिए कि वो कौन सी सब्जी थी जो इसे अच्छी नहीं लगती थी। नहीं, बीबीसी, तुम ये सवाल पूछ रहे हो, फिर भी बता देता हूं, मुझे बैगन पसंद नहीं है, आलू पसंद नहीं है, भिंडी पसंद नहीं है, गोभी पसंद नहीं है। इसका मतलब यह कि मुझे कोई सब्जी पसंद नहीं है सिवाय एक के। कौन सी? गोल गोल, छोटे छोटे, हरे मोतियों जैसे दाने, मटर। करेक्ट सर, बिल्कुल राइट बोल रहा है ये।
अगर तुम राजू हो तो तुम्हें याद होगा कि एक बार तुम गिरे थे और काफी चोट आई थी। कहां से गिरे थे? साइकिल से, घोड़े से, पेड़ से या फिर सीढ़ियों से? ए, हट! ना पेड़ से, ना घोड़े से, ना सीढ़ियों से। मैं बीबीसी के कंधे पे खड़ा होकर सर्कस दिखा रहा था, वहां से गिरा था। करेक्ट, ये बिल्कुल राइट बोल रहा है सर। चोट लगी थी तो निशान भी जरूर होगा। दिखाओ दिखाओ। अरे देख क्या रहे हो, दिखाओ दिखाओ। क्या जमाना आ गया है कि सच को सबके सामने नंगा करना पड़ रहा है। ओके, अभी दिखा देते हैं। हाँ चल भाई, दिखा दे राजू। दिखाओ, दिखाओ। सबके सामने? हाँ हाँ, सबके सामने। आप जरा अंदर जाइए। अरे मुझसे कैसी शर्म, मैं तो तुम्हारी मामी हूँ ना। क्या 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 क्या, चल मुंह दिखा। अरे बच्चों उधर मुंह कर लो बेटे, ये मैजिकल शो नहीं है, ये फिजिकल शो है बेटे। यही है, यही है, मिल गया, यही है, यही है। सॉरी बच्चों, मुझे आने में देर हो गई। देखने और सुनने में लग रहा है कि तुम ही राजू हो, लेकिन कोर्ट में साबित करना बहुत जरूरी है। हियरिंग इसी महीने की 10 तारीख को होगी। मैं चलता हूं। राजू तू आ गया, अब सब ऑल राइट हो जाएगा। तुम्हारा ये नाटक ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मेरे लिए ये 10 दिन काफी हैं। एक्सक्यूज मी, तुम हमारे राजू चाचा नहीं हो सकते। तुमने हमारे दीदी को धोखा दिया है। हमारे राजू चाचा क्यों नहीं हो सकते? ये सच है कि मैं तुम्हारा राजू चाचा नहीं हूं। मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता भी नहीं, मगर इस वक्त इस झूठे रिश्ते को मान लो तो अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं। अगर चाहते हो कि तुम तीनों अलग ना हो और तुम्हारी प्रॉपर्टी इन धोखेबाजों के हाथों में ना जाए, तो मुझ जैसे धोखेबाज को चाचा बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जहर को जहर ही मार सकता है। बेटे ये ट्रूथ बोल रहा है। जादू का हेल्प से हमने इसको बेल पर छुड़ाया और राजू का सीक्रेट इसको बताया। इस वक्त तो हमें यही हेल्प कर सकता है मेरे बच्चों। मैं तुम्हारी दीदी को धोखा नहीं देना चाहता था। मैं उसे अपने बारे में सब कुछ बता देना चाहता था, मगर मौका ही नहीं मिला। मैं क्या करता? अरे यार मुझे तो बहुत भूख लगी है। आओ आओ, भूख लगी है बच्चों। इतने दिनों से नहीं खाया, प्लेट में निकालो फटाफट फटाफट। मेरे पेट में तो हाथी कुत्ते बिल्ली क्या कुछ नहीं दौड़ रहा है, पूरा जू दौड़ रहा है। ये मटर तो बिल्कुल वैसे है जैसे राजू खाया करता था, यानी 18 साल पहले मैं खाया करता था। आओ बच्चों।
जरा से चख के देखो, बहुत टेस्टी है। नहीं तुम ट्राई करो। कम ऑन यार। कैस्पर खाएगा। कम ऑन कैस्पर, कम ऑन। ये भी नहीं खा रहा। मेरे लिए ना सही, अपनी दीदी के लिए। लो। हे रानी। ना बेटा। हमारे बेडरूम में क्यों घुसे आ रहे हो? ताकि जो चोर अंदर घुस चुके हैं उन्हें बाहर निकाला जा सके। Come on out. क्या मतलब? मतलब ये है कि घुसपैठियों की तरह क्यों घुस जाते हो? ऐसी जगह घुसो जहाँ से निकाला ना जाए। ये हमारा घर है, तुम कौन होते हो हमें निकालने वाले? अरे गैस के फुग्गे, कितना खाएगा कितना फूलेगा। अरे टेर हो जाएगा, फट जाएगा। तेरी माँ को स्टिच भी नहीं करने को, माँ को सीना भी नहीं आता, इनका क्या होगा? सुना तुमने, क्या बक रहे हैं ये लोग? मैं अभी पुलिस को फोन। देखो मेरे नादान दोस्त, कोर्ट कचहरी और पुलिस के चक्कर लगाओगे तो फंस जाओगे। इंडियन पीनल कोड दफा 420, 420, 421, 421 के हिसाब से इस कमरे में कब्जा करना नाजायज है ना? इलीगल है। 3.5 साल के लिए अंदर चले जाओगे। हम तुम्हें देख लेंगे। काजे लगा के देखिएगा, नजर का तीर दिल के पार ना हो जाए। इसका क्या होगा? थैंक यू राजू चाचा। मामा जी जरा उठिए, जरा उठिए। तो क्या बात है? बस एक मिनट के लिए उठिए। बोलो। आप गलती से मालिक की कुर्सी पर बैठ गए थे मामा जी, अब जिस पर मेरा हक है। नाश्ता करना है तो उस तरफ बैठिए। तुमने कहा और हमने मान लिया कि तुम राजू हो। आपने कहा और मैंने मान लिया कि मैं राजू नहीं हूं, पर आप साबित कैसे करेंगे? हमारी इंक्वायरी चल रही है। आप इंक्वायरी करते रहिए, हम नाश्ता करेंगे। जरा उठेंगे प्लीज। तुम्हारी ये गोली बुलाऊं? मैं उठाऊं तो दुनिया से उठ जाओगे। यू टू गुड बॉय। यस। हाँ बेटा, पहले ये तो कर लूँ। ये देखो, ये गया गया। आदमी औरतों का काम करे तो यही होता है राजू चाचा। हाँ राजू चाचा। राजू चाचा, अगर दीदी होती थी तो एक मिनट में सिल देती थी। कहाँ
कहां से लाऊं तुम्हारी दीदी को? मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो है कहां। मैंने लेटर लिखा है, अगर मिल गया होगा तो वो जरूर आएंगी। रोहित, दीदी, दीदी आ गई। I'm sorry, मुझे तो पता ही नहीं चलता अगर मुझे रोहित की चिट्ठी नहीं मिलती। सॉरी। तुम यहां क्या कर रहे हो? अब किसे लूटने का इरादा है? इन बच्चों को? मैं इन्हें लूटने नहीं बल्कि लूटने से बचाने आया हूं। अच्छा, चोरों को चौकीदारी मिल गई, कमाल है। चोर चोरी से तौबा भी कर लेते हैं ना? किसे बेवकूफ बना रहे हो शेखर? मुझे, खुद को या इन बच्चों को? तुम सारी दुनिया को धोखा दे सकते हो लेकिन मुझे नहीं। Never again. मैं जान गई हूं कि तुम कौन हो और क्या हो। दीदी, राजू चाचा को मत डांटो ना, वो बहुत अच्छे हैं। हाँ दीदी, अगर राजू चाचा ना होते तो दादाजी हमें भूखा मार देते। राजू चाचा, तो ये तुम्हारा नया गेम है लेकिन तुम ये गेम नहीं जीत सकते शेखर, क्योंकि अब मैं आ गई हूं और अगर तुमने इन बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो आई प्रॉमिस यू। दीदी, फैसले से पहले मुजरिम को कुछ कहने का मौका मिलना चाहिए। शट अप, तुम लोग इस आदमी को नहीं जानते। ये दिल जीतने के बाद गले काटता है। आना, शहर जाने से पहले मैं इसलिए आया था कि तुम्हें सच्चाई बता सकूं। प्लीज, मगर मौका, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं सफाई नहीं दे रहा हूं ना ही मैं शेखर, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना है। ये नई चीज क्या है पीपीसी? ये चीज? ये चीज नहीं है, ये ऐना है। ऐना चिल्ड्रन की ओल्ड गवर्नेस, कल नाइट को घर आई है। वेरी गुड। तो आज रात को ये हमारे पास आई। आइंदा है ना के बारे में जबान खोली तो जबान पर लोबान डाल के फरामोश कर दूंगा। अब फरामोश? फरामोश फारसी वर्ड है, बाद में बता दूंगा। ओके चल फुट, वरना दाया भाई से ज्यादा मजबूत है, समझे? चल अगलिया, गेट आउट। इसने दीदी के बारे में कुछ बोला था? हमारे मामा को हम पे छोड़ दीजिए राजू चाचा, इसका वही हाल होगा जो कंस मामा का हुआ था। शहजादे, तुम तो असल नस्ल के गधे मालूम होते हो, उल्लू के और नहीं तो क्या। अरे सबके सामने इश्क झाड़ने की क्या जरूरत थी? तुम मेरे को कभी है, हैंडसम हो। अंदर की बात तो ये है कि वो भी तुम्हें पसंद करती है, बताती नहीं है, समझा करो। सच रोहित? हाँ, हमारे राजू चाचा आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो थोड़ा शर्माते हैं। शर्माते हैं मुझसे? रियली? अरे तुझसे बाबा और कोई है भी नहीं, तुझसे। अरे पागल हो चुकी तुझ पे। बात करवा दूं? देखा, बजरे घंटी। उठा उठा, बात कर, उठा। हेलो,
बातें कर रहे हैं। नीचे मिलते हैं ना, क्या बोलती हो? हंसी मतलब हंसी हंसी। बैठे हो, मैं तो तुम्हें सारे घर में ढूंढ रही थी। ठंड पड़ गई। तुम दिन में मुझसे इतना दूर दूर क्यों रहती हो? वो है ना। कौन? अब तो यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ तुम और मैं। अपनी मामी के साथ रहने के लिए मना कर दिया। अब मेरी बात सुनिए टीचर। मर जाएंगे आपस में लड़के, मर जाएंगे। कोई क्या मुसीबत है? ये सब क्या हो रहा है और कहाँ ले जा रहे हो मुझे? जादू दिखाने। जादू? राहुल इस हथकड़ी को जादू से खोल देगा। रियली? वो कर सकता है? देख लेना। पर रोहित, रोहित कम बाकी। राजू चाचा, हमने अन्ना दीदी को हथकड़ी लगा दी, अब वो कहीं नहीं भाग सकती। आप जाओ उनको मनाने और हम जाते हैं मामा जी को हॉस्पिटल बुचाने। बाय। अन्ना, मैंने आज तक जो कुछ भी लिया, छीन के लिया, धोखे से लिया, चोरी से लिया, कभी मांग के नहीं लिया, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, लेकिन आज मेरे दोनों हाथ तुम्हारे सामने फैले हुए हैं। प्लीज है ना, एक बार मेरी बात सुन लो। तुमने जो कुछ भी किया शेखर, उसके बाद खुद पे से भरोसा उठ गया है। समझ में नहीं आता क्या सच है और क्या झूठ। लेट मी गो शेखर। प्लीज आना, मुझे अपनी सच्चाई साबित करने का एक चांस दो। हम दोनों के पास कोई सुराग अकल नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मौका ना दो और हमारा आने वाला कल भी हमसे छिन जाए। प्लीज शेखर, लेट मी गो। दिल दिल का ये काम है, मेरा तो नाम है, अब क्या करूं। दिल दिल का ये काम है, मेरा तो नाम है, अब क्या करूं। दिल दिल का ये काम है, मेरा तो नाम है, अब क्या करूं। बिना तेरे जीने ना दे ये दिल, दिल का ये काम है, मेरा तो नाम है, अब क्या करूं। मेरा क्या है, मैं तो मर जाऊंगा, बदनाम तुझे कर जाऊंगा, कहेंगे सब तुझे मेरा कातिल। दिल दिल मेरा
हो गया, ये तेरा हो गया, अब क्या करूं बिना तेरे जीने ना दे ये दिल। गुस्सा तेरा प्यार बन जाए तो, दुश्मन मेरा यार बन जाए तो, मैं ये जहां भी तुझे दे दूं। क्या है दिल, दिल का ये खेल है, जन्मों का मेल है, अब क्या करूं। दिल, दिल का ये काम है, मेरा तो नाम है, अब क्या करूं बिना तेरे जीने ना दे। Anna, I love you. कुछ सोचने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। करने दो सो जो कुछ कर रहा है, कितने दिन कर सकेगा? 3 दिन के बाद कोर्ट में सारा भांडा फूट जाएगा, क्योंकि उसके पास अपने आप को राजू चाचा साबित करने के लिए ना तो कोई गवाह है ना। मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब, काश मैं जल्दी आ गया होता, या थोड़े दिन आप और इंतजार कर लेते और अपनी आंखों से देखते कि आपका राजू वो बन चुका है जो उसे आप बनाना चाहते थे, जिसके लिए आपने मुझे थप्पड़ भी मारा था भाई साहब। कम से कम मुझे माफी मांगने का एक मौका दे दे भाई साहब। एक्सक्यूज मी, आप हैं कौन? पहचाना नहीं? मैं राजू हूं बड़े मामा जी, वाशिंगटन में था जब ये मनुस खबर पड़ी कि भाई साहब ये क्या हो गया मामा जी, कैसे हो गया? मुझे तो लग रहा है कि अभी अभी भाई साहब आएंगे मुझसे पूछेंगे कि क्यों रे कहां चला गया था। बच्चे तुम रानी हो ना, तुम रोहित और तुम राहुल। अगर तुम राजू हो तो ये कौन है? मैं समझा नहीं छोटे मामा जी। वी हैव ए प्रॉब्लम। इसका कहना भी यही है कि ये भी राजू है। तो तुम राजू हो? रजीत राय उर्फ राजू। फिर मैं कौन हूं? 2000 करोड़ के बिजनेस और प्रॉपर्टी के लिए कोई भी राजू बन सकता है। ओ, तो इसलिए तुम यहां आए हो? मगर मैं 2000 करोड़ रुपए लेने के लिए नहीं, भाई साहब के आशीर्वाद से मेरा बिजनेस $200 मिलियन से भी ज्यादा है। देखिए असली राजू कौन है इसका फैसला करना कोर्ट का काम है। परसों पेशी है, आपको जो कुछ भी कहना सुनना है वही कहिए। ओके, नो प्रॉब्लम। घर छोड़ने से लेके आज तक मैंने जो भी किया है, कहां रहा हूं, उसका पूरा सबूत है मेरे पास। राजू बनने के लिए घर छोड़ने से पहले के सबूतों की जरूरत पड़ेगी जो तुम्हारे पास नहीं हो सकते। सबूत से ज्यादा मुझे अपनी सच्चाई और भाई की आशीर्वाद पर भरोसा है। तुम बाके बिहारी चतुर्वेदी हो ना, बीबीसी? यस सर, आपने बिल्कुल सही रिकॉग्नाइज किया। ये बताओ, लंच में मटर की सब्जी मिलेगी? मिलेगी,
ऑफ कोर्स मिलेगी सर। आप सब लोग अपना इंट्रोडक्शन मुझसे खुद कराने तो अच्छा। हेलो, मेरा नाम प्रीति है, मैं प्रभाकर की सेकंड वाइफ हूँ। और मेरा नाम जादू है और मैं गायब हो रहा हूँ। बड़े भैया, मुझे तो असली राजू यही लगता है। हाँ, लगता तो है। खुद को बड़ा सयाना समझते थे साले, सब कुछ खत्म कर दिया, ना मुझे खाने दिया ना अपने लिए कुछ रखा। दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर ले गया सब कुछ। तो मैं इसलिए बुलाया है ताकि कुछ काम की बातें कर सकें। अब बात करने के लिए बचा ही क्या है? बच्चे जाएंगे अमेरिका, धन जाएगा ट्रस्ट में, नहीं तुम लोग जाओगे रस्ते पर। मेरा क्या है, मैं तो एक उठाई गिरा इंसान हूँ, यहाँ हाथ नहीं लगा तो कहीं और चला जाऊंगा। सोचो भैया, सोचो, कुछ तो सोचो यार। तुम लोग मुझसे बड़े कमीने हो, बड़े बदमाश हो। तुम लोग सोचो, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, इतनी बड़ी बात मैं नहीं सोच सकता। भैया एक काम हो सकता है। क्या? अगर हम ये गवाही दे दें कि हमारा भांजा राजू यही है तो कोर्ट को मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अलावा और कोई गवाह नहीं है। और उसके बाद तुम लोगों ने मुझे ऊपर भेज दिया तो? हाँ ना बाबा, थैंक यू। मैं इतना बड़ा हाथ नहीं मारता कि जान से हाथ धोना पड़े। हम तुम्हें शेयर दे सकते हैं। कितना? जितना तुम लूट के ले जाते, उससे ज्यादा। 10%। 10% बहुत कम है और रिस्क बहुत ज्यादा। अगर मैं झूठा राजू बनने के जुर्म में पकड़ा गया तो 15, कम से कम एक चौथाई, 25%। 25%? यानी कि 500 करोड़ रुपया? नामुमकिन। अच्छा तो मैं चलता हूं। मंजूर है। मुझे मालूम था कि तुम जैसे नीच लोग कभी शरीफ नहीं बन सकते, लेकिन मैं तुम्हें और इन कमीनों को मासूम बच्चों का हक नहीं छीनने दूंगी। मैं अभी पुलिस में जाके। तू कहीं नहीं जाएगी। इस दौलत को हासिल करने के लिए मैंने बहुत परेशानी उठाई है, अब इसके और मेरे बीच कोई नहीं आ सकता, तू भी नहीं। चल। ये तो कमाल का समझदार निकला। पेश ही परसों है, अगर हम कली मजिस्ट्रेट के सामने गवाही दे दें तो राजू कोर्ट तक पहुंच ही नहीं सकेगा, उससे पहले ही हमारा राजू चाचा बन जाएगा। आप तीनों ने मेरे सामने गीता की सौगंध खाकर यह इकरार किया है कि श्री राजू ही रजित राय यानी कि स्वर्गीय सिद्धांत राय के खोए हुए सगे भाई है। अदालत के सामने कोई दूसरा दावेदार नहीं है, इसलिए मैं आपको रजित राय तस्लीम करता हूँ। आज से आप सिद्धांत राय की जायदाद के वारिस हैं और उनके बच्चों के गार्डियन। थैंक यू योहाना। चीयर्स। क्या कहा, पानी के साथ या शराब? सेहत के लिए हानिकारक होती है। पेप्सी चलेगा। एनीवे, चीयर्स टू यू। भाई बधाई हो, बधाई। अब तो तुम हमारे कुलदीपक हो गए हो। कुलदीपक। अच्छा बताओ, उजाले का बंटवारा कब और कैसे करना है? हाँ हाँ बोलो, तुम्हें कौन सी कंपनी चाहिए? शेयर्स लेना पसंद करोगे या फिर कैश? कंपनी? कैश? ये क्या बोल रहे हो भाई, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा तो देना है। हिस्सा? ये क्या बकवास है। मैं रजित राय, स्वर्गीय सिद्धांत राय का वारिस, उनकी जायदाद का अकेला मालिक, ये बंटवारे की बात कहां से आ गई? गुड जोक, वेरी गुड जोक। गुड जोक, बट इट्स नॉट अ गुड टाइम टू जोक शेखर। शेखर नहीं, राजू, तुम तीनों ने कोर्ट में गीता पे हाथ रख के गवाही दी है कि मैं राजू हूं। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? बदतमीज बोलता है मुझे? बदतमीज बोलता है, मेरे घर में आके मेरी इंसल्ट करता है। गेट आउट, कम ऑन, गेट आउट ऑफ हियर। भाई साहब, मुझे गेट आउट करना है। तो ये है तेरा नाटक,
ये नाटक नहीं है मामा जी, ड्रॉप सीन है आपके ड्रामे का। तू भूल रहा है शेखर कि जो बना सकते हैं वो मिटा भी सकते हैं। खाली धमकी खाली धनुष की तरह होती है वकील साहब, कितना भी खींचो कुछ नहीं निकलता। और अब अपनी बची कुछ इज्जत लेकर यहां से निकल जाइए, वरना। और हां, कल सुबह अपना सारा हिसाब लेकर ऑफिस आ जाइएगा, बहुत माल खाया है तुम लोगों ने, सब निकालना है। ये मत भूलो शेखर कि तुम राजू हमारी गवाही से बने हो। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हमसे पहचानने में गलती हो गई। तो तुम राजू के हक में गवाही दोगे? हाँ। उसे राजू चाचा बनाओगे? हाँ। तो बना दो, वो आ रहा है। अच्छा हुआ तुम आ गए, इस बदमाश धोखेबाज ने तो हम सबको उल्लू बना के हमसे ये कहलवा दिया कि यही राजू है। अब तुम्हें हमारा साथ देना ही होगा, इसको जेल भिजवाना होगा। इसे जेल मैं भिजवाऊं? हाँ 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 हाँ। तुम हंस क्यों रहे हो? और क्या करूं, अगर ये जेल चला गया तो मुझे मेरा शेयर कौन देगा? हाँ, तुम्हारा शेयर? अबे पुराने गधो, ये राजू नहीं अपना पुराना साथी है गफूर भाई। हमने काफी चोरियां साथ में की, जेल भी कई बार साथ में काटी। मैंने इसे यहाँ इसलिए बुलाया था कि ताकि तुम इडियट लोग घबरा कर इसे राजू चाचा बना डालो। रुक, ये क्या है? मेरा ब्रांड नहीं है, हट यहाँ से। इसमें पूरा मानने की क्या बात है मामा जी? आपने सारी जिंदगी सिद्धांत राय को लूटा, हमने एक झटके में सब वापस ले लिया। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, 100 सोनार की और 1 लोहार की। बेबी से। यस सर। निकालो इन कुत्तों को बाहर, इनकी बू भी यहां नहीं रहनी चाहिए। अभी नहीं, जगह भी सही नहीं है और टाइम भी। चलो चलो, चिकन बना लूंगा तेरी। थैंक यू कपूर। अबे साले, थैंक यू किस बात का? एक्टिंग का बहुत बड़ा कीड़ा था ना मेरे में, और वो फोटो वाला डायलॉग है ना, उसको सीखते सीखते नानी याद आ गई मेरी यार। ए, लेकिन ईमान से बोल, काम मस्त किया ना मैंने? साले लोगों की चक्री घुमा दी चक्री। अभी बोल, तुझे क्या चाहिए? अपुन ने जब भी तेरा काम किया है तो 20 तक लिया है, मगर मुझे मालूम है तुझे यहाँ से सिर्फ दुआ मिलने वाली है। उस दुआ का 20 टका मुझे दे दे दोस्त। अरे इन बच्चों की दुआ लगेगी ना तो अल्लाह के सामने एक बुरा आदमी शर्मिंदा होने से बच जाएगा। जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो याद कर लेना। खुदाफिस। खुदाफिस। बाय बच्चो। ऐना, 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 ऐना दरवाजा खोलो, ऐना प्लीज, दरवाजा खोलो, ऐना, ऐना। क्या हुआ राजू चाचा? दीदी, दीदी, दीदी खोलो दरवाजा, दीदी, दीदी खोलो दरवाजा, दीदी, खोलो, दीदी। क्या हुआ? वो आइडिया दीदी को हंसाने का। Ha ha ha.
ऐना, ऐना, प्लीज गिव मी योर कार, मुझे माफ कर दो शिखर, मुझे माफ कर दो। एक कल जो चला गया वो चला गया नहीं आएगा, एक कल जो आया नहीं जब आएगा देखा जाएगा, एक कल जो चला गया वो चला गया नहीं आएगा, एक कल जो आया नहीं जब आएगा देखा जाएगा। आज का दिन बस अपना है, बाकी सब कुछ सपना है, आज का दिन बस अपना है, बाकी सब कुछ सपना है, बाकी सब कुछ सपना है। मुझको खाना खाना है, हमको पिक्चर जाना है, पिक्चर नहीं तुम्हें ऑफिस जाना है, अंडरस्टैंड। जो मर्जी सरकार की, बंदा तो गुलाम है, लेकिन तुम हाँ कर दो तो सारा इंतजाम है, सारा इंतजाम है। वैसे आज का क्या प्रोग्राम है? कि ये तैयारी है, 7 बजे की गाड़ी है, क्या कोई खत आया है, फिर वापस मुझे बुलाया है, ये तो साफ बहाना है, छोड़ो मुझको जाना है, अभी अभी पोस्टमैन ये टेलीग्राम लाया है, हर इस टेलीग्राम पे तो और किसी का नाम है। शैतान। आज का क्या प्रोग्राम है? घर से जरा निकलते हैं, चलो हाँ पिकनिक पर चलते हैं। इनके मूड को जरा बदलते हैं। दुनिया में प्यार का ही नाम है, प्यार अब
दीदी वैसे आज का क्या प्रोग्राम है? बीबीसी नाम शेखर, 8 वर्ष की उम्र में चोरी करते पकड़ा गया, 18 वर्ष बच्चों की जेल में रहा, सजा काटी, यह रहा तुम्हारा पुलिस रिकॉर्ड। तो तू राजू बनकर आया था ताकि हमें लूट सके? यू फ्रॉड। बहुत पसंद है ना तुझे, ये ले संभाल। ए वकील, वो मजिस्ट्रेट को बोल के कल तक एडॉप्शन पेपर साइन कर दे। क्या ये बहुत खतरनाक लोग हैं, ये तुम लोगों को किल कर देंगे। गो अवे प्लीज। नहीं नहीं, आपको और आनंद दीदी को छोड़ के हम लोग कैसे जा सकते हैं? हमारी चिंता मत करो, डोंट बदर। नहीं बीबीसी, हम लोग जाएंगे और हम सब साथ में जाएंगे। ऑपरेशन फ्रीडम। चलो दीदी को ढूंढते हैं। तो साला हक ही नहीं है इतना बड़ा प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का, जब अपने सिद्धांत को ठिकाने लगा दिया था तो तुम लोग ये नया राजू चाचा किधर से पैदा करके लाए? गलती हमारी नहीं तुम्हारी है, सांप के साथ सपनों को भी कुचल दिया होता तो आज ये परेशानी नहीं होती, समझ गए? ये कौन सी बड़ी बात है, पीछे 2000 फीट गहरी खाई है, इन्हें भी बाप के पास पहुंचा देंगे। एक मिनट में मारने के लिए तैयार हो जाता है, मारना है लेकिन अभी नहीं, समझा? हाँ,
बेटा गाड़ी देखी कहीं? कौन सी गाड़ी? अरे यही तो थी। अरे वाह, कभी मिले हो चाल सोबराज से? अबे लल्लू, अगर वो जेल से भागा है ना तो अपुन की मदद से भागा है। तुम्हारी मदद थे और क्या। एक दिन क्या हुआ मालूम? शेखर, कपूर, शेखर तू यहाँ? लफड़ा हो गया, बहना और बच्चे फंस गए, तुझे बाहर निकलना है। हाँ आजा अंदर और देख के ऊपर वाला गफूर क्या करता है। आजा आजा आजा। हाँ तो लल्लू क्या कह रहा था मैं? हाँ तो तुम कह लेते कि चाल चोबला तुम्हारी वजह से भागा। हाँ यही एक दिन बातों बातों में गर्मा गर्मी हो गई। अपुन बोला तैयार से कोई नहीं निकल सकता है, वो बोला कि अपुन निकल सकता है, तो हो गई सर 10-10 बीड़ी की। अब समझो कि अपुन इधर खड़ा है और चाल सुधर। शेखर इधर आना। अरे आना। ओके। और पता है उसने क्या किया? क्या क्या किया? अपना पेट पकड़ के जोर जोर से चीखा और वो सुन के वो दो हवलदार है ना अंदर आ गए। ए हवलदार, जब शेखर चीखेगा ना तो तुम दोनों अंदर आ जाना, समझा? ये शेखर चीख चीख। अरे चीख, अरे चीख। अपुन समझ गया उसकी चाल क्या है, इसीलिए अपुन ने दोनों हवलदार की गर्दन ऐसे पकड़ी। हाँ और बोला भाग शेखर। अबे भाग, भाग, ए भाग, भाग ना, भाग, ए भाग ना, भाग शेखर, अरे भाग, अरे भाग। अच्छा तो ऐसे भागा था चाल छोबराज? अबे लल्लू ऐसे भागा था अपना शेखर। बता बता के कहा, बता दे। साला सिकंदर बन के घूम रहा था तेरी। बता दे बता दे बेटा, वरना ये कहानियां है ना ये तेरी आंख भी अपनी आंख की तरह कर देगा। बता 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 बेटा। बताएगा बताएगा जरूर बताएगा। रोहित बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है। रोहित मैंने एक बहुत अच्छा खेल बनाया है, आंख बंद करके बॉल को हिट करना, दिखाऊं? ये देख, ये मैंने निशाना लगाया, ये आंखें बंद की और 1 2 ये क्या हो रहा है? ये धुआं कहां से आ रहा है? ये क्या हो रहा है? तुम लोग दीदी को लेके आते, चलो 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 रानी, कम ऑन। Oh,
गधों को सबक सिखाने के लिए मेरे घोड़े बेकरार खड़े हैं। आगे कोई नहीं आएगा। वीडियो टेप मुझे दो। लाओ मुझे दो। लाओ
फिर ये हुआ कि शेखर ने खुद को कानून के हवाले कर दिया। जब वो 6 महीने की कैद काट कर निकला तो बड़ी कैद में चला गया, यानी ऐना से शादी कर ली। आजकल शेखर और ऐना रोहित, राहुल और रानी की देखभाल कर रहे हैं और तलाश कर रहे हैं असली राजू चाचा को। अगर आपको रजित राय उर्फ राजू के बारे में कुछ भी मालूम हो तो संपर्क कीजिए www.rajuchacha.com। राजू चाचा आएगा, दुश्मन भाग जाएगा। राजू चाचा, राजू चाचा, ला 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 ला। Hey buddy, where's the beat? राजू चाचा, राजू चाचा, कम कम कम, आए गए कितने मौसम। राजू चाचा, राजू चाचा, कम कम कम, रास्ता देखे हम। राजू, राजू चाचा, बम चिक बम बम। राजू, राजू चाचा, कम कम कम, राजू, राजू चाचा। दिन को हम ना रोएंगे, रात को चैन से सोएंगे। दिन को हम ना रोएंगे, रात को चैन से सोएंगे। सब ये बातें करते हैं, तौबा तौबा करते हैं, भूत भी तुझसे डरते हैं। तू आए तो फिर क्या गम, हम सब नाचें छम छम छम। राजू,